पूछूं कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके? आपको याद होगा पिछली बार मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल वैल्यू, डेप्रिशिएबल लाइफ और वो डेप्रिसिएशन वर्ड कहाँ से है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था कि आपके लेवल में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हमारे पास है, SLM, WDV। SLM के कई सारे नाम हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपका, और WDV का मेथड था रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग वेल्थ मेथड, कई सारे नाम से जाना जाता था। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था डेप्रिसिएशन जब हम SLM से चार्ज करते हैं तो हर एक साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है वो फिक्स्ड आता है अगर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो। क्योंकि SLM मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मेरे बच्चे, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। WDV मेथड के अंदर में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू बुक वैल्यू बच जाती है यानी कि WDV, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये बातें पिछली क्लास में डिस्कस हुई थी, मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ लिया था जहाँ पर हमने यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाकर दिखाया था। मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया था अकाउंट बनाने का, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है। जब जब आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे एसेट्स की वैल्यू कम होगी, जब एसेट्स को परचेज किया तो आपका डेबिट चला गया एंड सो ऑन। आज ये काम करते हैं क्योंकि एंट्री मैंने एक बताया था, एक क्वेश्चन और तीन एग्जांपल हमारे हो चुके थे। आज की क्लास में फोर्थ एग्जांपल की शुरुआत करता हूँ मेरे बच्चे, एंड फोर्थ एग्जांपल में मैं आपको WDV मेथड से एक मशीन अकाउंट बनाकर दिखा दूँ। इसके बाद आज हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, जो बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ पे दूसरे बच्चों को जाने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए इतना समय नहीं होगा इन बातों को समझने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आइए ज़रा मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, ये गंदा दिख रहा है। हाँ जी, अभी भी पूरा साफ़ नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, काम चल सकता है। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर फोर आपका, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। इस बार कहता है आपका ऑन 1 जनवरी 2019, ये डेट कुछ भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको चिंता नहीं करना। कहता है कि मशीन, या फिर मशीन छोड़ के अब इस बार हम इक्विपमेंट पर जाते हैं, इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज, साथ साथ लिखिए कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वाज परचेज्ड 1 लाख का इक्विपमेंट परचेज किया आपने यहाँ पे, और कहता है इस पर IGST है। IGST होने का मतलब कि आपने किसी और स्टेट से परचेज किया होगा, एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है कि 12% यहाँ पे। मेरे बच्चे IGST हो, CGST हो, FGST हो, हमें पता है कि एसेट्स की कॉस्टिंग इतनी रिकॉर्ड होती है, टैक्स जो पे करते हैं वो इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता। फिर कहता है यहाँ पे प्रिपेयर मशीन इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, बस 3 वर्षों की बात। सर बाद में 5 साल कर दोगे? नहीं करूँगा बच्चे, इस पर 3 साल की बात करता हूँ। प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स एंड ऑल्सो पास, मैंने प्रोमिस किया था मैं इस बार एंट्रीज भी आपको दिखाऊंगा, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों के लिए आपको एंट्री पास करना है, फुल स्टॉप, इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज, लिखिए मेरे साथ, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय इस बार WDV मेथड। पिछले क्लास में हमने SLM पे क्वेश्चन किया था, इस बार हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, WDV पे हम काम करेंगे, ठीक है ना? तो आओ ना, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊँगा, एंट्री बाद में, या चलो कोई बात नहीं, चलो छोटे छोटे बच्चे हो आप, लिखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ।
पहले एंट्री आप 1 जनवरी 2019 का आप रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चे आपको समझाने के लिए, और ये डायग्राम आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, इसका बहुत बड़ा हेल्प है इस चैप्टर में मास्टरी करने के लिए। फिलहाल क्वेश्चन में बातें लिखना शुरू करो। और एक चीज़ लिखना भूल गया, कहता है कि अकाउंट्स क्लोज्ड, अकाउंट्स जो हम क्लोज करते हैं, क्लोज्ड एंड करते हैं ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। 31 तारीख को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। कभी भी 31 दिसंबर, कभी 31 मार्च होगा, फिलहाल 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2019 को मेरे बच्चे एक तो परचेज करने की एंट्री होगी, फिर 3 ईयर्स की बात कहता है, 1 2 3 तीन साल की कहानी। फर्स्ट ईयर के एंड में विल चार्ज डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ भी चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ भी चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। अभी सिंपल बातें हैं, बातें और सारी बढ़ेंगी, थोड़ा सा सब्र करना, अभी तो बस डेप्रिसिएशन की बात कर रहे। तो देखो ना, जरा बताओ फर्स्ट डेट को क्या एंट्री बनेगा। 1 जनवरी को हमने इक्विपमेंट परचेज किया, तो आप एक काम करें, लिखो यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड। बताओ इक्विपमेंट कितने से रिकॉर्ड होगा, सर कॉस्ट यानी कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका जो हमने पे किया। मेरे बच्चे इस पे जो हमने IGST पे किया यानी कि इनपुट IGST, ये हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ये कभी हमारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, क्योंकि ये बाद में जाके सेटअप हो जाते हैं आउटपुट GST से। ये 12,000 का अमाउंट आपका, और कुछ ना बताया तो हमने ये मानना है कि हमने चेक से पेमेंट किया होगा या कैश में पेमेंट किया होगा, 2 बैंक या 2 कैश कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1,12,000। ये पक्का है कि एसेट्स की रिकॉर्डिंग 1 लाख पे हुई है। अब देखो ना, समय आगे चला, चलते 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 आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 आ गया, यानी कि पहले साल का एंड, ये 31 दिसंबर 2019 का डेट है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन 112 पे चार्ज होगा कि 1 लाख पे होगा, सर 1 लाख एसेट्स की कॉस्ट इतनी है। मतलब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, और ये एक्सपेंस आप यहां पे डेबिट करते हैं, तो आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट होता है, अकाउंट डेबिटेड, और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि टू इक्विपमेंट अकाउंट। जरा बताओ जल्दी से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, सर 10% कहाँ गया, 10%। तो मेरे बच्चे 1 लाख का 10% आपका यहाँ पे 10,000 हो गया, है ना, ये हमारा जो एसेट्स की कॉस्ट है उसको हमने रिकॉर्ड किया आपका। फिर जरा आइए, आप जरा बताओ ये 10,000 डेप्रिशिएट हो गया, यहाँ पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बताइए 1 लाख में से 10,000 डेप्रिशिएट किया, अब वैल्यू कितना बच गया, 90,000। मेरे बच्चे WDV है, जो बच गया उस पर चार्ज किया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा इक्विपमेंट अकाउंट, अगले वर्ष की बात कर रहा हूँ, अगले वर्ष एंट्री तो सेम होगा, इक्विपमेंट की वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन इस बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 90,000 का 10% यानी कि 9,000। तो मेरे बच्चे ये एंट्री आपको कितने से बन गया, 9,000 से। आप समझो मेरी बात ना, ये 9,000 हो गया, तो 90 में 9,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 81,000 की वैल्यू बच गई। अगली बार यानी कि 31 दिसंबर 2021 को अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 81 का 10% यानी कि 81, WDV मेथड बचे, जो वैल्यू बचता हम उस पर चार्ज करते हैं। तो एंट्री तो वही होगा, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ना आपका डेबिट होगा, और यहाँ पर टू इक्विपमेंट अकाउंट, ये लीजिए आपका इक्विपमेंट की वैल्यू कम होते चली जाएंगी और एक्सपेंस आपका बढ़ते चला जाएगा, ये आपका हो गया। अगर आपको नरेशन लिखना है, अगर लिखना है तो यहाँ पे बीइंग इक्विपमेंट परचेज्ड, यहाँ पे इक्विपमेंट हमने परचेज किया उसकी एंट्री है, नरेशन आप देख लेना। अगर आपके सर कहते हैं कि एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लिख देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ये जो आपका नरेशन लिखा जा रहा है मेरे बच्चे, ये कुछ भी लिख सकते हो बस, और कुछ खास नहीं, यहाँ पर लिख देना आप बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, नरेशन कुछ भी लिख सकते हो आप, नरेशन मतलब बस समझाया जाता है कि हम किस चीज़ की एंट्री पास किए हैं, आपकी मर्जी है, बस गाली मत लिखना, अदरवाइज एग्जामिनर बहुत पीटेगा, बाकी बातें आपकी मर्जी है। तो ये काम हमारा हो गया है, ये आपका, ये हमने एंट्री दिखा दिया। अगर अकाउंट पूछेगा तो अकाउंट बना लो, ये लीजिए आपको यहाँ पे इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है,
इक्विपमेंट मेरे बच्चे हमारा एसेट्स होता है, और आप जानते हो कि जब एसेट्स का अकाउंट बनता है तो एसेट्स का बनना हमेशा हम डेबिट करते हैं और घटना क्रेडिट करते हैं, चाहे वो जनरल एंट्री हो चाहे वो लेजर अकाउंट हो। अब ये मत कहना कि सर हमें नहीं पता ये बात, हमने कितना आपको समझाया है, ये डेट है हमारा, ये पर्टिकुलर्स हमारा है, ये हमारा अमाउंट कॉलम है, उसी तरीके से मेरे बच्चे ये हमारा डेट कॉलम है, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, और फिर ये हमारा अमाउंट कॉलम आपका है, अमाउंट कॉलम। देखो हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जब हम इस अकाउंट को बनाते हैं, जब हम इक्विपमेंट अकाउंट को बनाएंगे, तो होता क्या है कि ये हमारा एसेट्स है, और एसेट्स का ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। मेरे बच्चे जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, घटना क्रेडिट करते हैं। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, मैं कभी जनरल एंट्री देता बच्चे, आप भी आज से 8, 10, 20, 25 क्लास के बाद आप देखना बंद कर दोगे, आप फटाफट बनाना शुरू करोगे, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आप एंट्री देख के भी लेजर अकाउंट बना सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूँगा, बिना एंट्री देखे बगैर मैं लेजर अकाउंट बनाऊँगा, जब मैं बना दूंगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा यही काम यहाँ पर हो रहा है। देखो कैसे, जरा बताओ, इक्विपमेंट आपने परचेज किया, आप बताओ इक्विपमेंट परचेज करने से इक्विपमेंट इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? सर इंक्रीज किया, लिखो ना यहाँ पे, आप कहना 1 जनवरी 2019 को हमने इक्विपमेंट कितने का परचेज किया जी, 1 लाख का कॉस्ट मेरे बच्चे, 1 लाख अमाउंट आपका है, 1 लाख रुपए आपका, 1 लाख। और जरा बताओ ये कैसे परचेज किया, तो बैंक के थ्रू, हमने बैंक से पेमेंट किया। अंदर में तो रीजन आता है कि जो इक्विपमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है, तो यहाँ भैया हमने बैंक से पेमेंट किया, 1 लाख का परचेज किया, वो एंट्री आपकी होगी। सुनो सुनो सुनो, इसके बाद समय आगे चला, यहाँ पे देखो मैं एंट्री नहीं देख रहा अभी, यहाँ देखो आप, समय आगे चला, एंड में आ गया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब यहाँ देखो, छोड़ो एंट्री को, छोड़ो एंट्री को, मत देखो एंट्री को, यहाँ देखो मेरे साथ, आप बताओ कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? सर डिक्रीज करेगी। तो मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2019 को यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हम लोग रीजन बता रहे हैं, रीजन कि आखिर इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट उसकी वैल्यू कैसे गिर गई, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया मेरे बच्चे 10,000। तो जरा बताओ 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब हमारे पास इक्विपमेंट जो है बाय बैलेंस सीडी एंड में कितने का बच गया? सर 90,000 का, 90,000। तो मेरे बच्चे ये लो, पहला वर्ष आपका कंप्लीट हो गया, द फर्स्ट ईयर हैज एंडेड, एंड नाउ वी हैव क्लोज्ड द अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, विल नाउ मूव ऑन टू सेकेंड ईयर। ये पहला साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर जो कि 1 जनवरी 2020 यानी कि अगले वर्ष का बैलेंस दिखाएगा, टू बैलेंस बीडी, जो पिछले साल के एंड में होता है वो अगले साल के स्टार्टिंग में होता है, ये मैंने आपको बातें पहले बताई हुई है। अरे आप देखो ना डायग्राम में, नजर यहां नजर यहां, फिर समय आगे चला, चलते चलते हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बताओ जरा मुझे फिर से कि डेप्रिसिएशन के चार्ज करने से ये इक्विपमेंट की वैल्यू जो 90,000 है वो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करने से वैल्यू बढ़ा कि कम? सर कम हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2020 को अगेन विल राइट हियर बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जरा बताओ ये कितना आपका हो गया? 9,000 का अमाउंट, क्योंकि WDV है, WDV में जो वैल्यू बचता है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मेरे बच्चे इसके बाद आपका 31 दिसंबर 2020 को जरा बताओ कि आपका इक्विपमेंट का बाई बैलेंस CD यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया? ये हो गया 81,000 का अमाउंट, 81,000। मेरे बच्चे सेकेंड ईयर भी आपका यहाँ पे आके एंड हो गया, 90,000 एंड 90,000 दोनों आपके बराबर हो गए, ये हमारा सेकेंड ईयर एंड हो गया। थर्ड ईयर में आता हूँ, लो ना 1 जनवरी 2021 जो सेकेंड ईयर का एंड का बैलेंस था वो इस साल का ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो गया 81,000। हमें 31 दिसंबर 2021 को फिर से डेप्रिसिएशन को चार्ज करके मेरे बच्चे एसेट्स की वैल्यू को कम करना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका 10% यानी कि 8,100। तो बताओ जरा बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे कितना बच जाएगा? सर आप बहुत फास्ट कर रहे हो, मुझे पता है, आप एक काम करो, ये जहाँ तक मैंने करा दिया ना, अब इसको चाहो तो अगर अभी तक नहीं लिखा आपने तो आप इसको वीडियो को उधर पॉज कर लो, पॉज कर लो, लिख लो और फिर आगे बढ़ जाना इसके साथ।
लीजिए काम पूरा खत्म हो गया, काम खत्म हो गया मेरे बच्चे, जो हमने आपका मशीन अकाउंट बनाया 3 वर्षों का पूछा था, 3 वर्ष का वो 5 का पूछेगा 5, 10 का 10। एक बात पक्का है कि वो जो एसएलएम मेथड है ना, एसएलएम मेथड, उस मेथड से मेरे बच्चे एसेट्स की वैल्यू एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 लाख का मशीन था, सॉरी या 2 लाख का मशीन था और हमने शायद या 1 लाख ही था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो 1 लाख पे 20% यानी कि 2 लाख करते करते 5 साल में मशीन की वैल्यू खत्म हो गई। मेरे बच्चे WDV में ऐसा नहीं होता, WDV में क्या होगा, आप जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कुछ वैल्यू बचेगा, फिर चार्ज किया मतलब वैल्यू कम होते चला जाएगा, बट जीरो कभी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे आपका 729 पे फिर चार्ज करो, फिर जो बच गया उस पर, जो बच गया उस पर चार्ज करना, ये बहुत लंबा चलते चला जाता है एग्जाम, इसलिए 2-3 साल का पूछेगा, 4 साल का ज़्यादा नहीं पूछेगा। खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने साल का पूछेगा हम बना देंगे, ये काम आपका पूरा हुआ, ठीक है ना सर। हाँ सर हाँ, पर बच्चे अब ना मैं आपको ये सब बोरियत वाले क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, आपको मैं बहुत दूर आपको लेके चलना चाहता हूँ, बहुत दूर। पता है क्या, इसको मिटा दूँ सर? हाँ सर हाँ, ये लीजिए मैंने यहाँ पे आपका इसको मिटा दिया, मैं यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, ये सारा कुछ मिटा देता हूँ, बिल्कुल मुझे साफ सुथरा बोर्ड चाहिए आगे की बातें आपको समझाने के लिए। ये लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मिटा दिया। अब ना मैं आपके साथ कुछ अच्छा डिस्कशन करना चाहता हूँ मेरे बच्चे, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, दिमाग में इफ और अभी मत आने देना, बस जितनी बातें करूँगा उतनी बातें आपने सुननी है। ये देखो मैं इसको पहले मिटा दूँ, ये लीजिए ये मैंने मिटा दिया। अब जरा आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे, एक हेडिंग डालो नए पेज में और हेडिंग डालेंगे आप मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेरे बच्चे फिक्स्ड एसेट्स से ज़्यादा अच्छा वर्ड मेरे लिए रहेगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। मैं ये वर्ड लेके डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट्स कहूँगा, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट वर्ड, इसको कर लो आप अंडरलाइन। पता है बच्चे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे उनके दिमाग में जब इस चैप्टर के अंदर में आते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि आपके एसेट्स का कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से 20% से 30% से, तो मेरे बच्चे हमें एसेट्स की कॉस्ट जानना होता है। एसेट्स की कॉस्ट जो होगा हम उसी पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो कॉस्ट का मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, आपका जनरली बच्चा पता क्या सोचता है कि हमने एसेट्स को परचेज किया वही हमारा कॉस्ट होता है, जबकि ऐसा है नहीं बच्चे। मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ये देखो आप यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ, एक डायग्राम ये कहता है आपका दिस इज प्लेस ऑफ परचेज। सर हम भी डायग्राम बनाएं? नहीं, पहले देख लो मैं क्या बना रहा हूँ, जब मेरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाना फिर आगे बढ़ना। ये प्लेस ऑफ परचेज है, मतलब जहाँ से मैंने कोई एसेट्स परचेज किया, प्लेस ऑफ परचेज ऑफ मेरा एसेट, ठीक है ना बच्चे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्लेस ऑफ यूज ऑफ एसेट, जहाँ पे उस एसेट्स को मैं यूज करना चाहता हूँ मेरे बच्चे, वो ये जगह है। मान लो जो हमने एसेट्स परचेज किया वो किसी शोरूम से परचेज किया, एक शोरूम से, ये शोरूम से हमने क्या किया, एक एसेट्स परचेज किया। और मेरे बच्चे ये मेरा वो फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है, मान लो ये फैक्ट्री है जहाँ पर उस एसेट्स को मैं यूज करना चाहता हूँ, ये मेरा फैक्ट्री आपका है। पता है अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स कहता है कि जहाँ पे आपने एसेट्स को परचेज किया और जहाँ पे मेरे बच्चे एसेट्स को आपने यूज करना है, इसके बीच में जितने सारे खर्चे आपने किया होगा पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर, जितनी बार भी आपने पहली बार खर्चे आपने किए होंगे यानी कि फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर, मेरे बच्चे कहते हैं इनके बारे में
दे ऑल आर एडेड, दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। बच्चे अगर मैं किसी एसेट्स की कॉस्ट को जानना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, परचेज प्राइस और कॉस्ट दोनों अलग चीज़ें होती हैं, परचेज प्राइस और कॉस्ट दोनों अलग होती है मेरे बच्चे। यहाँ पे जब बात की जाएगी ना कॉस्ट वर्ड का, जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो एसेट्स परचेज हुआ, जहाँ से परचेज हुआ और जहाँ पे आपने यूज करना है मेरे बच्चे, इसके बीच में जो भी खर्चे करोगे वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। ये हमारा अकाउंट्स इसी पर टिका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, पता है मैंने एक एसी परचेज किया, मान लो मैंने क्या किया जी, एक एसी परचेज किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एसी परचेज किया मैंने यहाँ पे, और एसी परचेज किया मुझे यहाँ मिला 40,000 में एक शोरूम से। हम एसी शोरूम से ही तो परचेज करते हैं, पर बच्चे उस एसी को मुझे अपने फैक्ट्री में या ऑफिस में अपने घर में यूज करना है, कहीं पर भी मान लो फैक्ट्री में यूज करना है। तो देखो जब हम एसी को परचेज करते हैं आपका, और जब इसको परचेज करके अपने फैक्ट्री शोरूम या ऑफिस में लेके आते हैं, तो मेरे बच्चे ये रास्ते का हमें भाड़ा पे करना पड़ता है, हमें यहाँ पे करना होता है फ्रेट, फ्रेट यानी कि फ्रेट कह दो, कार्टेज कह दो। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, 2000 का फ्रेट पे किया, भाड़ा पे किया, कार्टेज फ्रेट ये जो भी कह दो आप, कैरेज कह दो, है ना, 2000 रुपये का। फिर मेरे बच्चे जो एसी यहाँ पे आया फैक्ट्री में, जब फैक्ट्री में हमने इसमें यहाँ पे इंस्टॉल किया ना, इंस्टॉल किया, तो हमें इंस्टॉल करने में यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज पे करना पड़ा। जब आप एसी को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो आदमी इंस्टॉल करने आता है। मान लो उसने मुझसे 3000 और अमाउंट ले लिया, 3000 रुपये। याद रखना मेरे बच्चे, पहली बार आप सिंपल शब्दों में सुनना, पहली बार जहां पे एसेट्स को आपने यूज करना है, वहां पे उसको यूज करने लायक बनाने तक यानी कि इंस्टॉल करने तक में जितने सारे खर्चे आपने किए होंगे, वो सारे खर्चे आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। मतलब ये सारे खर्चे क्या बोले जाएंगे, फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर, एंड दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मतलब अगर कोई पूछे आपसे ना कि जरा बताओ टोटल आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ आपका एसी कितना है, मेरे बच्चे मत कहना 40,000, आप कहना 40 + 2 + 3 यानी कि 45,000 जो परचेज प्राइस है। उसके बाद जो आपका फ्रेट यानी कि भाड़ा लगा, जो 3000 इंस्टॉल करने में लगा, ये सब आपके एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं यानी कि 45। इस 45,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आप समझो मेरी बात यहाँ पे, आप सिंपल शब्दों में और आओ ना, मैं आपको बताता हूँ। पता है आपको नहीं दिख रहा मेरे बच्चे, लेकिन ये जो स्टूडियो है ना जहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, जब मैंने इसको परचेज किया था, बस एक ऐसे रूम था ये और कुछ नहीं था मेरे बच्चे, एक ऐसे रूम बना हुआ था। उसको मान लो मैंने 40 लाख में परचेज किया था, 40 लाख रुपये में मान लो। फिर मैंने क्या किया, इस स्टूडियो को मेरे बच्चे साउंड प्रूफ किया। आप देखते होंगे जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ मेरी आवाज आती है, बाहर में कितना भी शोर होता वो आवाज यहां पे नहीं आती। बाहर में अगर कोई शेर भी चिल्ला रहा है, अभी चिल्ला रहा है, अभी मैं बाहर निकलूंगा, यहां पे शेर है, यहां पे चीता है, यहां पे क्या बोलते हैं वो बाघ है, यहां पे कुत्ते, सभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज आपको यहां पे नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसका साउंड प्रूफ कराया हुआ है। इसमें कुछ भी आवाज़ अंदर की बाहर, बाहर के अंदर नहीं आती मेरे बच्चे। यहाँ पे साउंड प्रूफ कराने में 3 लाख रुपये मेरे और खर्च हो गए मान लो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइटिंग्स कराए हैं, मैं बहुत बहुत यहाँ पे लाइट्स यहाँ पे लगाया हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखाई दे मेरे बच्चे। मान लो 2 लाख रुपये मेरे और खर्च इसमें हो गए। जो मैंने यहाँ पे पेंटिंग्स कराए हैं, पेंटिंग क्योंकि दीवार पहले गंदा था, पेंटिंग कराया 1 लाख रुपये और खर्च हुआ। मैंने कुछ वायरिंग का काम कराया, मान लो 50,000 रुपये और खर्च हो गए मान लो। मतलब ये सारे खर्चे जो मैंने फर्स्ट टाइम किए हैं, दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये सारे मेरे एसेट्स की कॉस्ट है मेरे बच्चे। इसलिए कोई पूछे कि जरा बताओ कि परचेज प्राइस में एंड कॉस्ट में कुछ फर्क होता है क्या, आप उनको बोलना हाँ हमारे सर ने कहा है कि परचेज प्राइस तो बस वही प्राइस है जो हमने एसेट्स को परचेज करने के टाइम पे किया था, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने पहली बार खर्चे किया होगा उसको इंस्टॉल करने तक, जहां पे हमने उसको यूज करना है, वो सारी चीजें एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होती है। तो मेरे बच्चे कितना हो गया, 45,000। अगर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है तो 40 नहीं, 45 पे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे एसेट्स की कॉस्ट है।
ठीक है ना। और मैं एक काम करता हूँ, जब ये बातें उठी हैं तो मैं आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लो कि फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर होगा दे आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, वो हमने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं। किसी भी एसेट्स मेरे बच्चे, किसी में भी आप कुछ भी, आप देखो ना, मान लो आप एक मोबाइल परचेज करते हो, मोबाइल आपको 10,000 रुपये का पड़ता है, आपने उसका कवर भी परचेज कर लिया, कवर मान लो 1,000 का पड़ा तो मोबाइल 11,000 का कहा जाएगा अकाउंट्स में, क्योंकि वो कवर भी क्या होगा, हम एसेट्स के साथ यूज करेंगे आपका। तो ये सारी बातें यहाँ पे ऐड होती है, आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो। हो गया सर, हो गया। मुझे ना इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, एक एग्जांपल लिखे आप यहाँ पे, एग्जांपल नंबर वन लिखूँ मैं क्या बता रहा हूँ। कहता है कि आपका फर्म, मैं सारी बातें फर्म के लिए करता हूँ, परचेज, फर्म ने परचेज किया, परचेज AC फॉर रुपीज कितने का बता रहा है जी, 40,000 का। लिखो लिखो ना, मैं सारी बातें समझाऊंगा। चलो यहाँ पे कहता है IGST भी आपको लग गया, इंटीग्रेटेड GST, और मान लो कहता है कि 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। फिर कहता है आपका यहाँ पे जो कार्टेज पे किया, कार्टेज जो आपने पे किया यहाँ पे, ये जी मान लो आपका 2,000 लग गया मेरे बच्चे, और आपने जो यहाँ पे फैक्ट्री में लाके जो इंस्टॉल किया, यानी कि इंस्टॉलेशन जो आपने एक्सपेंसेज किया, एक्सपेंसेज आपने जो पे किया है पेड, वो कहता है कि मान लो 3,000 का अमाउंट आपका, 3,000। बोलता है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसी एंड मेक जर्नल एंट्रीज। कहता है कि जरा बताओ इसकी एंट्रीज क्या पास होगी। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहले तो मैंने जो एसी परचेज किया ना, इसकी एंट्री करता हूँ, तो पता मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसी अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा। बताओ एसी कितने का पड़ा, 40,000 का, 40,000 रुपये। इसमें IGST पे किया, यानी कि इनपुट आईजीएसटी जो हमने पे किया वो 12%, यानी कि 4,800 रुपीज, एंड टू बैंक अकाउंट, ये मानते हुए कि सारा पेमेंट हमने बैंक से किया है, तो 44,800 का अमाउंट आपका। दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री ध्यान सुनना, आपने जो कार्टेज पे किया यानी कि भाड़ा, इंस्टॉल करने में जो खर्च किया मेरे बच्चे, ये दोनों अकाउंट्स में एक्सपेंस ट्रीट नहीं होंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये कार्टेज जो पे किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो पे किया, ये पहली बार क्योंकि आपने खर्च किया इस एसेट्स के ऊपर में, हम इनको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, हम इनको भी क्या करेंगे जी, एसी के कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे, एसी के कॉस्ट में। मतलब मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे एसी अकाउंट को ही बढ़ाऊंगा, एसी अकाउंट, और हमने पेमेंट किया यानी कि टू बैंक अकाउंट। आप समझ रहे हो मेरी बात ना, यानी कि हमें यहाँ पे इसको एक्सपेंस नहीं मानना, एक्सपेंस हम उनको मानते हैं मेरे बच्चे जिनको हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं एक्सपेंस के नाम पे। जैसे नहीं लिखा था मैंने पिछली क्लास में, रेंट सैलरी आपका, अगर कोई चीज़ एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना है तो हम एक्सपेंस नाम लिखने के बजाय हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो 2+3 कितना हो गया, 5,000। ये 5,000 का अमाउंट, ये हमारा यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया, यानी कि एसी की कॉस्ट कितनी बन गई, 45,000। हाँ, अगर वो कहता है कि भैया आप कॉस्ट बताओ तो लिख दो अभी यहाँ पे, इसका मतलब कि आपका टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसी जो रिकॉर्ड होगा वो कितना जी, तो 45,000, है ना, 45, ये 40 और प्लस 5, 45,000। आप समझो ना, इट्स वेरी सिंपल। आप तो कसम खा लो, किसी भी एसेट्स को आपने परचेज किया हो और पहली बार जितने भी खर्चे करेंगे, पहली बार मेरे बच्चे जितने भी खर्चे करेंगे वो सारे खर्चे आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। कोई पूछे, कोई मतलब कोई बाहर वाला बोल सकता है कि यार कार्टेज तो एक्सपेंस होता है, भाड़ा जो पे के एक्सपेंस है, फिर एसेट्स की कॉस्ट में क्यों ऐड कर दिया? तो आप उनको समझाना कि हमारे सर ने कहा है कि पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वो एक्सपेंस, क्या जो हमने भाड़ा पे किया है, क्या किसी एसेट्स पे किया है, और पहली बार अगर हाँ तो हम उसको एक्सपेंस नहीं मानते, उससे हमारे एसेट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर मान लो मैंने 40,000 रुपए का सपोज कि मैंने ये बिल्डिंग परचेज किया है, और मान लो 1,00,000 रुपए मैंने इसकी पेंटिंग में खर्च किया, तो उस पेंटिंग को एक्सपेंस नहीं मानूंगा मेरे बच्चे, उस पेंटिंग को मैं एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करके अपना एसेट्स ट्रीट किया जाएगा, मेरा एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया, जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
मतलब जिसको आप कॉस्ट मानने को तैयार हो ना, वो सारे खर्चे किसी एक साल के हम प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके पार्ट पार्ट में उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। दिखाना तो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, समझो मेरी बात, सारे खर्चे हम प्रॉफिट लॉस में दिखा रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो एसेट्स हो। एक्सपेंस जो होगा उसको इस साल ही दिखा देंगे, और जो एसेट्स होगा उसको पार्ट पार्ट में प्रॉफिट लॉस में दिखाया जा रहा है। मैं आऊँगा इस चीज़ को और क्लेरिफाई करूँगा आगे, लेकिन आज मकसद वो नहीं है। आज तो मकसद आपके शरीर, मतलब आपके दिमाग में इतने सारे ज्ञान को भर देना है कि बस आप रह जाओ और बस आप रह जाओ। ठीक है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये आपका निकल के आया आपका, ठीक है ना। अब जरा एग्जाम्पल नंबर टू आओ, एग्जाम्पल नंबर टू देखता हूँ आपका दिमाग क्या काम करता है। मान लो मैंने कहता है कि एक परचेज किया, ये कहता है कि सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड कार मतलब पुरानी कार मैंने परचेज किया, परचेज्ड, मैंने पुरानी कार परचेज किया है, मान लो आपका 8 लाख रुपीज में। मेरे बच्चे नई कार परचेज करने के पैसे मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक पुरानी कार परचेज कर लिया, कितने का, 8 लाख रुपए का। लेकिन जरा बताओ, जब पुरानी कार आप परचेज करते हो तो क्या आप कार को परचेज किए और आप यूज करना शुरू कर देते हो, या अगर बाइक ही परचेज किया आपने, स्कूटर ही परचेज किया, साइकिल ही परचेज किया, जो भी परचेज किया, तो क्या सेकेंड हैंड परचेज किया यूज करना हम शुरू करते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर आप अभी छोटे बच्चे, जब कल को कमाने लगेंगे तो मैं आपको बताऊं आप क्या करोगे कि जब ये पुरानी चीज हम परचेज करते हैं ना बच्चे, हम थोड़ा मोड़ा उसका रिपेयरिंग करा देते हैं। गाड़ी हमने परचेज किया 8 लाख रुपए में, लेकिन कहीं पे स्क्रैच लगा हुआ है, चल थोड़ा पेंटिंग कर दो जी, उसका जो स्टेयरिंग का कवर है थोड़ा पुराना, चल चेंज कर दो, नया कर दो जी, थोड़ा उसका हेडलाइट जो है वो भी टेढ़ा सा दिख रहा है, चल चेंज करा दो जी, समझो मेरी बात। तो आप अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज करते हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, कुछ रिपेयरिंग पे खर्च करते हो, रिपेयर एक्सपेंस आप करते हो स्टार्टिंग में। मैं बात अभी सारे फर्स्ट टाइम खर्च की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपने रिपेयर एक्सपेंस किया, मान लो यहाँ पे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये। कोई बोलता है जरा बताओ आपके एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, तो अगर कोई यहाँ पे बोलता है कि जरा बताओ कैलकुलेट, आपसे कोई बोलता है कि कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ आपका कार कितना होगा, मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में जब आप कॉस्ट ऑफ कार निकालेंगे तो फिर से आपको यही बातें समझनी है। आप कहना कि 8 लाख का कार है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने कितना खर्च कर दिया, 50,000 आपका, यानी कि आप ये खर्च ऐड करके 8,50,000 का अमाउंट यहाँ पे कोड करेंगे, 850,000 रुपये। अरे कोई भी चीज़ जो हमने परचेज किया, अगर मान लो हमें लगता है कि अपने यूज लायक उसको बनाने में, अपने यूज लायक बनाने में हमने कुछ खर्च किया है, तो उस खर्च को भी क्या करो, आप उसमें ऐड कर दो, ऐसा हमारा अकाउंट्स कहता है मेरे बच्चे। पता है एक आपका अकाउंट, एक एस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये प्रॉपर्टी, ये एस क्या होता है सर, आपको आप पढ़ेंगे बारे में बाद में, कि अकाउंट्स में जितनी सारी बातें आप सीख रहे हो वो सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है। अकाउंट्स कैसे चलेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, ये सारी बातें मेरे बच्चे आपको एएस बताता है। तो ऐसे बहुत सारे एएस हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ना वो डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, कि जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब जो फिक्स सेट्स हैं उनको कितने पे दिखाना है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। तो एस 10 ने आपको ये कहा है कि भैया पहली बार जितने सारे खर्चे करोगे वो सेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझारी मैं क्या बता रहा हूँ सर? हाँ सर हाँ, अच्छा ये बात तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि एसेट्स की कॉस्ट क्या होता है, अब मैं कुछ और बातें लेकर आता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं, ये हो गया सर? हाँ सर हाँ, तो मैं और आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जरा देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है, मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करनी मेरे बच्चे। एक एग्जाम्पल लिखो आप, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री कहता है, एग्जाम्पल नंबर थ्री में मैं आपको डायग्राम्स इस पर दिखाऊंगा। डायग्राम, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, और मान लो ये टाइम 1 जनवरी आपका 2019 से मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2019 है, सॉरी मान लो ये करंट ईयर है, ये एक साल। अब होता क्या है कि आज मैंने यहाँ पे, यहाँ मान लो 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2019 को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन परचेज किया मेरे बच्चे,
मशीन कहता है कि परचेज किया, परचेस्ड। ध्यान से, इस पर मैंने साल की स्टार्टिंग में नहीं, यहाँ पे 1 अप्रैल को मशीन परचेज किया, कहता है कि ₹2 लाख का, 2 लाख रुपए का। आप ऐसे लिखो जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम के साथ। इसमें कहता है कि जो आपका IGST लगा, मतलब किसी दूसरे स्टेट से परचेज किया होगा, वो मान लो आपका 5% है। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे जो हमने फ्रेट पे किया है, फ्रेट यानी कि मशीन को अपने पास लाने में जो भाड़ा पे किया, वो मान लो 20,000 का अमाउंट आपका। और मशीन को इंस्टॉल करने में, इंस्टॉलेशन जो आपने एक्सपेंस किया है, इंस्टॉल करने में जो खर्च किया, वो मान लो आपका यहाँ पे 30,000 का अमाउंट किया, 30,000 रुपये का अमाउंट, 30,000 का। सुन लो मेरी बात, मशीन आपका 2 लाख का है, IGST पे किया, याद रखना ये कभी भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। फ्रेट हमने पे किया जी, इसको, इस मशीन को अपने पास लाने में 20,000, इंस्टॉल करने में 30,000 हो गया। वो कहता है कि कैलकुलेट, बोलता है कि जरा बताओ क्या डेप्रिसिएशन होगा। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% एज ऑन एक मिनट, 10% पर एनम एज ऑन 31st December 2019। मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है डेप्रिसिएशन निकालो और इसे केस नंबर 1 कर दो। मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं। ये हो गया, एक केस और बनाता हूँ, केस नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बाद में, पहले हम इसको क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। कहता है कि जरा बताओ जी आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से मैं क्या करूंगा। पता है मैं पहले सॉल्यूशन में आपका मशीन की कॉस्ट जानना पसंद करूंगा। जरा बताओ कॉस्ट ऑफ मशीन कितना रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना माना जाएगा। तो सर एक तो ये 2 लाख रुपीज, लिखो ना 2 लाख रुपए, ये 2 लाख। आप बताओ क्या ये IGST जो 5% है इसमें ऐड होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? ये भी तो खर्च पहली बार किया आपने, फिर क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि सर आपने बताया हुआ कि ये खर्चे बाद में जो हम आउटपुट GST होगा मुझसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि ये हमारा खर्च बाद में नहीं रहेगा, तो उसको हटा दो आप। फिर आप इसमें क्या करना जी, आप यहाँ पे फ्रेट ऐड करना मेरे बच्चे, 20,000 पहली बार खर्च हो रहा है, और फिर आप यहाँ पे 30,000 ये भी ऐड कर देना, यानी कि मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 2,50,000। ठीक है, अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, है ना, तो आप देखो एज ऑन 31st December, क्या डेट बता रहा है, 2019, बोलता है कि बताओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होगा। बात सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चे, जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अगर पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का, तो SLM से निकालूं चाहे WDV से निकालूं, दोनों से सेम आएगा। पहले वर्ष का जो डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि पहले वर्ष में हमेशा हम कॉस्ट भी तो चार्ज करते हैं, सेकेंड ईयर में दोनों में फर्क आएगा जी। पहले वाले में मतलब SLM हुआ तो कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा, और WDV हुआ तो जो बच गया उस पे चार्ज करते हैं, बट पहले साल में दोनों से सेम में चार्ज करते हैं, इसलिए मेथड कहे ना कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, सुनो मेरी बात, 2,50,000, 2.5 लाख रुपये, ये हो गया कॉस्ट। रेट कितना बता रहा आपको, 10%, ये 10% हो गया। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से, ये आपका जो 10% है ना, दिस इज पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि ये जो डेप्रिसिएशन आपका, ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, यानी कि अगर आपने एसेट्स को 12 मंथ्स आपने यूज किया है, तो दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल का डेप्रिसिएशन आपका, मतलब एसेट्स को एक साल यूज करूंगा तो इतनी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। जरा एक बार देखो क्या इस क्वेश्चन में आपने जो एसेट्स यूज किया साल के एंड तक, क्या हमने एक साल यूज किया है, क्या दिस पीरियड्स इज फॉर द 1 ईयर क्या? नहीं सर, ये तो 9 मंथ्स है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे बच्चे ये 9 मंथ्स आ रहा है, आप भी काउंट करो ना, ये 3 मंथ्स तो हमारे पास एसेट्स था ही नहीं, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, 9 मंथ्स का। मतलब ये है कि ये जो डेप्रिसिएशन आपका, ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, एक साल का। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो डेप्रिसिएशन 1 महीने का आ जाएगा।
गलत बोल रहा हूं, समझो, समझा रहा हूं। अरे ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है पर एनम, एक साल का, तो 12 महीने से डिवाइड किया तो एक महीने का आ गया। और अगर आपको 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, आप जरा बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ गया। आप 9 मंथ्स का कहोगे तो हम 9 मंथ्स का निकाल देंगे, 25,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, मेरे बच्चे ये डेप्रिसिएशन आ गया 18,750 का अमाउंट। मतलब कहने का कि अगर हमने एसेट्स को कुछ समय के लिए यूज किया तो विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। इन दैट केस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ओनली फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर इन विच मशीन हैज बीन यूज्ड। जितने समय के लिए, जितने पार्ट के लिए आपने एसेट्स यूज किया उतने समय का चार्ज कीजिए। कॉमन सेंस है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? सर हाँ सर हाँ। यानी कि आपने कहा कि पहले कॉस्ट पता करो, कॉस्ट में पहली बार के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। हाँ, वो जीएसटी ऐड नहीं होगा, वो आपका जो हुआ उसमें हमने 10% कहा और 9 मंथ्स तो 9 मंथ्स का निकाल दिया। मेरे बच्चे पता है क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो आपके साथ गेम खेलता है, लूडो नहीं, वो कॉमर्स का गेम खेलता है। पता है क्या करेगा, वो केस नंबर 2 दे देगा, कहता है कि कैलकुलेट, लिखो ना यहाँ पे, जगह छोड़ा था आपने, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% एज ऑन 31st December 2019। वो ये कह देगा। जरा समझो फर्क इसमें क्या है। यहां पर तो पर एनम लिखा हुआ है बट यहां पर देर इज नो पर एनम। आप समझो, आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे। आप मत सोचना अपने आप को छोटे बच्चे, शक्तियां इतनी सारी आपके अंदर आ चुकी है और आ रही है कि आपको बहुत बड़ा बना चुकी है। आपके दिमाग इतना काम करना शुरू हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। आप जरा देखो ना, यहां तो परिणम कहा था बट यहां पे परिणम नहीं कहा। मेरे बच्चे अगर परिणम ना बोले तो पता है क्या होगा, ये तो केस वन था। अब मैं केस टू में आपको दिखाता हूं कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा एज ऑन 31st December 2019। मेरे बच्चे 2.5 लाख रुपए का हमारा एसेट से कॉस्ट तो रहेगा सेम जी, रेट आपका 10%। और याद रखना, अगर कहता है 10% पर एनम नहीं है तो फिर आपका कितने भी समय आप एसेट्स यूज करो, कितने भी समय, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, हार्डली मैटर्स, विल चार्ज डेप्रिसिएशन फ्लैट एट द रेट ऑफ 10%। फिर टाइम पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि परिणाम आपने बोला ही नहीं है। तो बच्चे उस केस में क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन कितना बन जाएगा, 25,000। समझो मेरी बात। अगर वो कह दिया कि देखो जी परिणाम है तो मेरे बच्चे जितने समय एसेट्स यूज किए उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। लेकिन अगर वो परिणाम नहीं कहता तो उस केस में आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना फ्लैट जो रेट होगा उसी से चार्ज कर देना। मैं भी कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन में बारीकियों पर ध्यान देना है, छोटी बातों पर ध्यान देना है। ठीक है यहां तक? सर हाँ सर हाँ सर। और कुछ, ये हो गया पहले, मैं अभी बहुत सारी बातें करूंगा, आप चिंता ना करो, बहुत सारी बातें करूंगा। एक्चुअली मुझे, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक कर लो, पहले आप यहाँ कर लो, हो गया सर, आगे बताओ। मैं कुछ और दिखाता हूँ। आप समझो इस बात को, मेरे साथ लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका, आई थिंक 4th या 5th जो भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको हटाता हूँ। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि एक एग्जाम्पल और आपके साथ कर लूँ, क्या एक एग्जाम्पल और कर लूँ या काफ़ी है? सोचने दो मुझे, एक एग्जाम्पल और इस पर कराओ कि काफ़ी है? सर काफ़ी है सर, समझ में आ गया सर। चलो एक ले लो सेकेंड हैंड कार पे, चलो कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे जी कि परचेज प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। आपने सेकेंड हैंड मशीन एक परचेज आपने किया है और ये सेकेंड मशीन कहता है कि आपका परचेज हुआ है 3 लाख रुपए का, 3 लाख का, कब जी? तो डेट यहाँ लिख दो, 1st जुलाई 2019 को, ये रहा बच्चे। फिर कहता है कि आपने रिपेयर एक्सपेंस किया। ऑब्वियस बात है कि हम क्या मानेंगे, पहली बार उसका रिपेयरिंग पे, और मान लो 1 लाख रुपीज और खर्च कर दिया आपने, 1 लाख रुपए। बोलता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम।
by WDV method. क्या फर्क पड़ता है? अब पहले साल में WDV हो, इसलिए वो सबसे सेम ही निकल के आ गया मेरे बच्चे. तो ये आपका केस नंबर वन बना लो यहाँ पे, और केस नंबर टू एक और लिखो यहाँ पे. केस नंबर टू कहता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%. आप समझ गए होंगे क्योंकि आप परिणाम नहीं लिख रहा. बाय WDV मेथड. कोई भी मेथड हो, पहले साल में दोनों से सेम डेप्रिसिएशन आएगा. चलो कोई बात नहीं, आओ ना सॉल्यूशन में. मुझे पहले जल्दी से बता दो यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ आपका मशीन कितना माना जाएगा. कॉस्ट ऑफ मशीन सर ये 3 लैक्स + 1 4 लैक्स रुपीज. अगर यहाँ पे आपको फ्रेट कुछ बताता, इंस्टॉल करने के खर्चे सब ऐड हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम के सारे खर्चे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ 4 लैक्स हो गया. तो मेरे बच्चे केस वन में और हाँ ये देखो मैं डायग्राम से बताऊँ, मैं डायग्राम कभी नहीं भूलूंगा. लो देखो मैं छू के कसम खाता हूँ, आप भी ऐसे कसम खाते हो ना मेरे बच्चे. मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद जब भी क्वेश्चन करूंगा डेप्रिसिएशन का, तो मैं पहले डायग्राम बना के सारी बातें लिखूंगा. मेरे बच्चे इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, किसी भी चैप्टर में जहां बहुत सारे डेट होते हैं ना, आप डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन बहुत हद तक सिंपल हो जाएगा. मैं दिखाऊंगा, ये मंत्र बनेगा आपके लिए आगे. तो हमारा क्वेश्चन जरा बताओ, ये 1 जनवरी 2019 और ईयर एंडिंग तो मैंने बताया नहीं, लिख लो यहाँ पे कहीं पे भी 31 दिसंबर को मान लो आपका ईयर एंडिंग होता है 2019. तो ये आपका ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना, 31 दिसंबर को. और आपने एसेट्स कब परचेज किया है, तो 1 जुलाई को. आपका 1 जुलाई को आपने जो परचेज किया, जरा बताओ कितने समय आपने यूज किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने. तो पता है मैं क्या करूँगा, केस वन में जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन कब जी, साल के एंड में मेरे बच्चे, हमेशा एंड में चार्ज करते हैं हम लोग, एज ऑन 31 दिसंबर 2019. तो जरा बताओ कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट 4 लैक्स. रेट बताइए, क्वेश्चन कितना बता रहा है, 20%. अच्छा बताओ कितने समय का, तो सर ये कहता है कि आपका यहाँ पे 6 मंथ्स आपने यूज किया, ये तो परिणाम है ना, यानी कि ये तो 12 महीने का है, 12 से डिवाइड कर दो. अगर 12 महीने के डेप्रिसिएशन को विल डिवाइड बाय 12, तो विल गेट डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर 1 मंथ. एंड सिंस वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, विल मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 6/12. बताओ कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपका हो गया. लेकिन लेकिन मेरे बच्चे केस नंबर टू अगर कहता है कि आप यहां पे डेप्रिसिएशन निकालो एज ऑन 31 दिसंबर 2019, तो कॉस्ट तो 4 लैक्स ही होगा, रेट तो आपका 20% ही होगा, लेकिन समझो ना इस पर पर एनम नहीं लिखा हुआ है. तो फिर बस कितने भी समय यूज करोगे हम पूरे साल का चार्ज करेंगे, मतलब फ्लैट 20%, यहां पे 80,000 का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टू कीप इन माइंड कि आपको कितने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके लिए पर एनम या फिर पर एनम होना ना होना वो आपका मतलब बनेगा, जिसको हमने यहाँ पे काम किया. आप कॉपी कर लो, हो गया सर. आगे बताओ, आओ कुछ और बातें करते हैं. आप दिमाग बस लाइट रखो, क्योंकि पता है जितना हम टेंशन लेते हैं ना लाइफ उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. हमें पता है, ये नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम प्लान करते हैं आज से 10 साल बाद का, यार 10 साल के बाद ये करूँगा, 20 साल के बाद ये करूँगा. क्या इतना प्लान करना, क्या रोज रोज प्लान करना क्यों? मैं भी पहले करता था मेरे बच्चे, कि यार आज मेरा ये हुआ, कल मैं 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद, नहीं करना इतना प्लान. आज की प्लानिंग मेरी होनी चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग. आज मुझे इतने घंटे काम करना है, करना है, और आज करूँगा इतना काम है. अगर आपने लाइटली लेना शुरू कर दिया आज को, तो कल सिक्योर्ड कैसे होगा, बताओ? गलत बोल रहा हूँ मैं? आज नहीं जी, कल मैं करूँगा, तो कल कभी नहीं आता मेरे बच्चे, कसम से मैंने देखा हुआ है. मैं कई बार देखता हूँ कि मैं वेट करता हूँ कि कल आएगा, कल ये करूँगा, वो कभी आता ही नहीं है. लेकिन जिस दिन मैं सोच लेता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, मैं वो काम उस दिन करता हूँ, बशर्ते कि मेरी जिंदगी रहनी चाहिए, मैं कभी उसको फिर शिफ्ट नहीं करता. इसलिए आप पढ़ाई करने के टाइम पे ही जब आपके दिमाग में है ना यार आज ये नहीं करता, कल कर लेता हूँ, ना ना ना, आज का काम आज करेंगे.
आज का काम पूरी जिंदगी जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे बच्चे, ये सारे काम आज नहीं करूंगा लेकिन आज जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना तो करूंगा ही करूंगा, तब काम होता है। तो खैर चलिए, ये कुछ अच्छी आदतें मैंने पाली है मेरे बच्चे। लाइफ बहुत समय से चला, बहुत लंबा टाइम को गुजारा। मेरे टाइम पे तो कुछ फैसिलिटी नहीं था पढ़ाई करने का, आपके पास तो इतने सारे चीज़ें हैं, समझो मेरी बात। यहाँ पे तो आप तो उसको एंजॉय करो ना, लाइफ को आगे मस्त करो ना। क्यों कोई क्लास का बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा? आप उसको देखो ही मत। आप आज का जो आपका इंप्रूवमेंट है ना, आज आपका जो इंप्रूवमेंट है, अगर आज से कल आप ज्यादा इंप्रूव हुए, नॉलेज आज के मुकाबले कल आपने ज्यादा लिया, तो यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ के अंदर में। लेकिन अगर आप ये रह गए तो फिर समझो कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। अगर आप इस तरीके से बढ़ रहे हो, ये आपका ग्रोथ है, तो समझो कि बस आप आगे पहुंच जाओगे। फिर किसी से कंपटीशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो कब आपसे पीछे कहाँ चला जाएगा और आप कहाँ आगे निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। बस अपने से कंपटीशन करो। कल जितना हमने नॉलेज गेन किया उससे कुछ ज़्यादा हम आज भी गेन करेंगे और ये ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे, तब बातें बनेंगी, तब बातें बनेंगी। खैर चलो, मेरी बात शायद आपको आज समझ में नहीं आएगी कि पता नहीं क्यों सर अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी पता चलेगा मेरे बच्चे। जो मेरा इशारा समझ गया वो आगे निकल गया, जो मेरा इशारा नहीं समझा वो तो फिर पता नहीं, भगवान ही उसको आगे फिर निकालेंगे। हाँ आओ जरा, सर गुस्से में बोल लो, कहाँ से गुस्सा करूँगा बताओ? आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं गुस्सा कहाँ से करूँगा, लेकिन सबके मन में हूँ, आप भी मेरे मन में हैं, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आओ जरा, खैर छोड़ो, ज़्यादा इमोशन में नहीं पड़ना, ज़्यादा जोश नहीं करना मेरे बच्चे। अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मेरी बात अब सुनना ध्यान से। लिखिए जरा यहाँ पे, लिखेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर भूल गया, 5 होगा शायद आपका, और ये डाल दो हेडिंग में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं कुछ और बातें आपको समझा रहा हूँ, बस मस्त मस्त बातें, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं ना आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे। ये 1 जनवरी मान लो 2019 है, और ये मान लो आपका 31 दिसंबर 2019, मतलब दिस इज एंड ऑफ ईयर, ये आपका एंड ऑफ ईयर है। कॉन्सेप्ट कुछ और आगे बात करते हैं, दूसरों से हम आगे निकलने की आज तैयारी करते हैं। पता है क्या हुआ, मैंने क्या किया आज यहाँ पे, यानी कि 1 फरवरी 2019 को मैंने एक नया ट्रक परचेज किया, न्यू ट्रक परचेज, नया ट्रक। और आज जो ट्रक परचेज किया ना बच्चे, ये ट्रक मुझे मिला मान लो 7 लाख का, मान लो ना कि 7 लाख में हमने ट्रक परचेज किया। ट्रक की कॉस्ट अगर मतलब कोई GST पे किया होगा, अब उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो अगर होगा तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छी बात है। तो 7 लाख का ट्रक का कीमत बता रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है ना? आपने कभी नया ट्रक देखा है? बोलो बोलो, नया ट्रक देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ कि नया ट्रक कैसे होता है। पर बच्चे नए ट्रक में जो ट्रक की बॉडी होती है ना, जिसमें सामान लोड करते हैं, वो बॉडी नहीं होता। नए ट्रक में वो सामान पे जिसपे जो आप लोड करते हो वो बॉडी नहीं होता। उसमें पता क्या होता है, उसके चक्के होते हैं, आगे में स्टेयरिंग होता है, इंजन भी होता है जिसको घुमा घुमा के आप लेकर आते हो। मतलब आप इमेजिन करो एक ऐसा ट्रक जिसपे सामान लोड करने की बॉडी ही नहीं है, वो नया ट्रक ऐसा मिलता मेरे बच्चे। अब मैं ऐसे ट्रक में सामान लोड कर ही नहीं सकता, तो पता है मैंने क्या किया, आज जो ट्रक परचेज किया था ना, इसको लेके चला गया एक ऐसे आदमी के पास जो ट्रक की बॉडी फिट करता है। एक था एक आदमी, मैं गया कि भैया आप एक काम करो, मेरे इस ट्रक पे एक अच्छी सी बॉडी फिट कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है, ट्रक मेरे पास छोड़ दो, जब मैं आपका ट्रक पे बॉडी फिट कर लूँगा तो मैं आपको बुला लूँगा, आप आगे ट्रक लेके चले जाना। मेरे बच्चे मैंने ट्रक उसके पास छोड़ दिया, और उस आदमी ने क्या किया, इस पे बॉडी फिट करना शुरू किया, बहुत सारे काम किया, और ये 1 जुलाई 2019 को ट्रक पे क्या हुआ, उसने बॉडी फिट कर दिया, ट्रक पे उसकी बॉडी फिट कर दिया, उसका पेंटिंग कर दिया, पीछे में 13 मुंह काला लिखा होता ना ट्रक के ऊपर में, वो सब लिख के तैयार कर दिया। मेरे बच्चे वो ट्रक जो आपका है 1 जुलाई को आपका रनिंग कंडीशन में आ चुका है,
रनिंग कंडीशन में आने का मतलब होता है कि अब ट्रक को आप यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो मतलब ट्रक, मतलब अब ट्रक जैसा बन गया, अब सामान पे आप लोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, रनिंग कंडीशन में आ गया। लेकिन मेरे बच्चे आज जिस दिन ट्रक बन के रनिंग कंडीशन में आया ना, हाँ उस आदमी ने जब आपका रनिंग कंडीशन में डाला तो उस काम के लिए, क्योंकि बॉडी फिट क्या फ्री में थोड़े करेगा, तो 1 लाख रुपीज और हमसे चार्ज कर लिए कि भैया आप हमें 1 लाख रुपये दे दो, हमने दे दिया उसको मेरे बच्चे। लेकिन जब ट्रक बन के तैयार हो गया, बॉडी भी फिट हो गई, पीछे में 13 मोल काला भी लिख दिया गया, लेकिन ट्रक का अभी यूज स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे बिजनेस में भी रिक्वायरमेंट ही नहीं था। सुनो मेरी बात, वो ट्रक जो था मेरे बिजनेस में रिक्वायरमेंट अभी नहीं था, मैंने क्या किया उस ट्रक का यूज स्टार्ट नहीं किया, और मैंने आज उसको क्या किया जी, गैराज में, अपना जो गैराज है ना मेरा, उसमें जाके मैंने रख दिया। ट्रक का यूज मैंने स्टार्ट किया 1 नवंबर 2019 से। आज से मैंने क्या किया, ट्रक का एक्चुअल यूज करना स्टार्ट किया, मतलब अब 1 नवंबर को मैंने गैराज से ट्रक निकाला और बिजनेस में सामान लोड करना, यहां पहुंचाना वहां पहुंचाना मैंने शुरू कर दिया, कर दिया मेरे बच्चे। एक 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 परेशानी मेरी है, आप उसको दूर करो। सर क्या परेशानी है, मैं पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज ऑन 31st December 2019। और चलो एक साल और ले लेते हैं, ये एक साल और चला, ये साल कब से कब तक जी, तो 1st January 2020 अगला वर्ष है, से लेकर 31st December 2020, यानी कि आपका एज ऑन ये एंड आपसे पूछ रहा हूँ 31st December 2020, 2 वर्षों का डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कितना चार्ज किया जाएगा वो आपको बताना है, और यहाँ पे कितना चार्ज किया जाएगा वो आपको बताना है। बोलता बताओ डेप्रिसिएशन क्या निकल के आएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, सोल्यूशन के अंदर में फिर मैं इसका नोट भी आपको लिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए पहले ट्रक की कॉस्ट, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं जी, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में, डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st December 2019, मेरे बच्चे यहां की बात कर रहा हूं, इस दिन पे आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा। तो पहले इसके लिए आपको अपने एसेट्स की कॉस्ट को जानना पड़ेगा, और मेरे बच्चे ट्रक की जो कॉस्ट है ना, ये 8 लाख हो चुकी है, पहली बार खर्च हुआ था ट्रक के ऊपर में, ट्रक के ऊपर में उसको रनिंग कंडीशन में लाने तक का जो खर्च है, यानी कि ट्रक की कॉस्ट कितनी हो गई जी, 8 लाख रुपीज। ये तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट टाइम खर्चे हैं, दोनों को ऐड किया जाएगा। पर बच्चे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन क्या बता रहा है, 10% पर एनम, तो 10% भी मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल उठता है कि पहले साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मेरे बच्चे, वो कब से कब तक का, आप सोच लो पहले, आप सोचो ना कि पहले साल का जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो कब से कब तक का, जब से हमने परचेज किया उस समय से लेके एंड तक का चार्ज कर दूं, या फिर जिस दिन हमारा एसेट्स रनिंग कंडीशन में आया उस समय से एंड तक का चार्ज कर दूं, या फिर जिस समय हमने ट्रक का यूज स्टार्ट किया उस समय से चार्ज कर दूं। मेरे दिमाग में ये बातें नहीं बैठ रही हैं, नहीं बैठ रही हैं। जरा आप सोचो, आप सोचो कि डेप्रिसिएशन कब से कब तक का चार्ज होना चाहिए, जब से परचेज हुआ तब से, या जब से यूज करने लायक बना तब से, या जब यूज स्टार्ट हो गया तब से। 3 बातें यहां पे, बोलो बोलो कब से होना चाहिए, सोच लो। सर सोच लिया, सर सोच लिया, ठीक है अब मैं आंसर बताता हूं, आप देखना कि आपका दिमाग मुझसे मैच करता है कि नहीं करता। अगर आपका दिमाग मुझसे मैच कर गया तो आप मुझे बस एक फोन या मैसेज कर देना कि सर आपके दिमाग से मेरा आंसर मैच कर गया, आप हमें चॉकलेट दे दो, मेरे बच्चे यहीं से मैं उसी टाइम पे चॉकलेट भेजूंगा और आपके सीधे मुंह में जाके वो पड़ेगा। आपको बता रहा हूं ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत सीरियस आदमी हूं, बहुत सीरियस, मैं बहुत सच बात बोलता हूं और सीरियस बोलता हूं। अगर आपका आंसर मेरे दिमाग से मिल गया तो आप उस मुझे एक मैसेज कर देना, या टेक्स्ट कर देना, या व्हाट्सएप कर देना कि सर मेरा आंसर सही था, चॉकलेट फेंको, यहीं से फेंकूंगा और आप जहां भी, जिस स्टेट में, हमारे देश या वर्ल्ड के किसी कोने में हो गया, आपके पास जाके गिरेगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। लेकिन इसका आंसर लिखने के पहले मैं यहां थोड़ा और जगह छोड़ूंगा अगले साल के डेप्रिसिएशन के लिए, और फिर यहां पे नोट आप लिखिए मेरे साथ। यहां पे नोट नंबर 1 कहता है कि डेप्रिसिएशन, लिखिए मेरे साथ जगह छोड़ के पूरा, डेप्रिसिएशन
is charged from the date on which depreciation is charged, from the date on which asset has been put in a running condition. मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे, मेरे मनमोहक बच्चे, मेरी बात सुनो। हमारा अकाउंट्स कहता है कि डेप्रिसिएशन की चार्जिंग उस दिन से होगी जिस दिन आपका एसेट्स यूज करने लायक बन गया। कब बना था? इस दिन। यहां पे मेरे बच्चे, यहां पे यूज करने लायक बन गया था। हमारा अकाउंट्स कहता है कि कब उसका यूज शुरू हुआ उससे मतलब नहीं है। A10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसके बारे में चर्चा करूं तो अभी गुनाह करूंगा आपके साथ, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, A10 बोलना आज जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है कि डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करना शुरू करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द एसेट हैज पुट इन ए रनिंग कंडीशन। जब आपका एसेट्स यूज करने लायक बन गया, आप चार्ज करना शुरू कर दो। आपने यूज शुरू किया है, नहीं किया मतलब नहीं बनता। सर ऐसा क्यों बोला उसने? कोई लॉजिक इसके पीछे मत लगाओ। जब एस ने कह दिया तो वो काम करना पड़ेगा। लॉजिक है, मैं समझा भी सकता हूं, लेकिन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप अभी उस लेवल के बच्चे भी है नहीं। आप बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातें करूंगा, बहुत अंदर जाऊंगा तो फिर आप समझो कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। आप समझो मेरी बात यहां पे। तो मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, कहना कि जिस दिन एसेट हैज बीन पुट इन ए रनिंग कंडीशन, इसका मतलब होता है, लिख दो ब्रैकेट में, ऑल्सो कॉल्ड पुट टू यूज आपका। और मेरे बच्चे, पुट टू यूज को डाल देना इन्वर्टेड कॉमा में। पुट टू यूज का मतलब कि नॉट टू स्टार्ट यूज। पुट टू यूज का मतलब होता है जिस दिन एसेट्स को आपने रनिंग कंडीशन में डाल दिया, इसका मतलब, दैट इज, इसका मतलब क्या? डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। जिस दिन हमने उसको इंस्टॉल कर दिया मेरे बच्चे, जिस दिन हमने इंस्टॉल कर दिया, एसेट्स आपका रनिंग कंडीशन में आ चुका है, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में चार्ज करना शुरू कर देंगे, चाहे आप यूज हो या ना करो। हमने एसी परचेज किया, एसी परचेज करके हमने क्या किया जी, घर में अभी रख दिया कि मैं अगले महीने उसको इंस्टॉल करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मैंने उस एसी को इंस्टॉल कर दिया लेकिन यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ठंड आ चुकी है, गर्मी में करूंगा, फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। अकाउंट्स ऐसा कहता है, रीजन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। अगर आज मैंने कुछ बता दिया तो शायद आप बड़े होकर आगे पढ़ाई ना करो, क्योंकि सारा नॉलेज तो मैंने यहीं पे सीख लिया, फिर क्यों करूं? ऐसा ना हो मेरे बच्चे, इसलिए, खैर मैंने गलत बोला, रीजन ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं बहुत इनडेप्थ जाऊंगा तो बहुत सारी कड़ियां मुझे जोड़नी पड़ेंगी, और अभी आपका वो लेवल नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं। तो बस इतना समझ लो कि भैया, एसी इंस्टॉल कर लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। आपके घर में टीवी आया है, टीवी इंस्टॉल हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दो। टीवी देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता, समझे मेरी बात? तो ये मैंने आपको यहां बताया मेरे बच्चे। इसका मतलब है कि हम 1 जुलाई से 31 दिसंबर साल के एंड तक कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स का विल चार्ज डेप्रिसिएशन। कितना हो गया? तो आपका यहां पे 40,000 का अमाउंट, आपका 40,000 मेरे बच्चे। 2 साल का जब पूछोगे ना, तो सेकेंड ईयर के लिए मेथड बताओ, मेथड, क्योंकि पहले साल में ठीक है जी, दूसरे साल के बताओ, तो चलो वो कहता है कि भाई आप एसएलएम से ही चार्ज कर दो। चलो एसएलएम से ही, तो ठीक है, जब ऐसा है तो मेरे बच्चे, अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा अगले साल एज ऑन 31st December 2020, तो वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि अगले साल तो आपने पूरे साल उसको यूज किया, पहले पुट टू यूज में आ चुका है पूरा साल। तो अगले साल क्या करेंगे? एसएलएम है ना कॉस्ट पे, यानी कि 8 लाख 10% एंड फॉर द होल ईयर, यानी कि 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, 80,000 का। मैं जानता हूं कि ये बातें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, कि आप बहुत, सर कितना बड़ा चीज पढ़ा दिए, क्या मस्त चीज पढ़ा दिए, कितना सर को नॉलेज है। कुछ नहीं है नॉलेज, ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को भी पता है मेरे बच्चे। मेरा वो 1 साल का बच्चा, वो भी इस बात को जानता है। मैंने आज ही जब स्टूडियो में आ रहा था, मैंने पूछा कि जरा बताओ जी कि डेप्रिसिएशन कब से चार्ज स्टार्ट होता है अकाउंट्स में, तो उसने कहा कि पापा जिस दिन वो यूज करने लायक बन गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देना।
यूज हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स ऐसा कहता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो आप जब वो जानता है एक साल का बच्चा, फिर तो आप तो जानते हैं, मैं पीरियड का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अच्छा सर, लेकिन सर एक बात बताओ, जैसे आपने तो कहा कि यहाँ पे परचेज हुआ, यहाँ पे रनिंग कंडीशन में आया, यहाँ पे यूज स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये ना बताए कि कब आखिर कब हमारा एसेट्स पुट टू यूज हुआ है, कब हमारा एसेट्स रनिंग कंडीशन में आया है, तो हम सर कब से मानेंगे? मेरे बच्चे अगर आपको डेट अलग अलग ना बताए तो जिस दिन आपने एसेट्स को परचेज किया होगा उसी दिन मान लेना कि उसी दिन वो इंस्टॉल किया गया है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्जिंग फिर यहां से शुरू हो जाएगी। लिखिए नोट नंबर टू, नोट नंबर टू लिखेंगे, इफ डेट ऑफ इंस्टॉलेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं देता कॉमा, देन इट इज एज्यूम्ड ऑन डेट ऑफ परचेज। मतलब अगर मैं आपको अलग से ना बताऊं कि कब वो इंस्टॉल हुआ है, तो बच्चे जिस दिन आपने परचेज किया होगा उस दिन ही उसको इंस्टॉल करना मान लेना। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? सर हाँ, सर हाँ, कुछ और बताओ ना सर। आज सर हमें बहुत कुछ सीखने को मन कर रहा है, आज सर मन कर रहा है ना कि बस सब कुछ भूल जाए सर, सब कुछ भूल जाए, और बस आप बोलते रहो और हम सुनते रहें सर, बस सर यही मन कर रहा है। ठीक है बच्चे, आज मैं फिर आपको 5-6 घंटे तो कम से कम लेके चलूँगा ही चलूँगा, जब आप इतनी तारीफ मेरी बात की करोगे तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे भी मन करता है कि आप मेरी तारीफ़ करो, मैं अपनी तारीफ सुनूं, और आप 5-6 घंटे बैठ सकते हो, इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आप आइए, एग्जाम्पल नंबर 6, और आप ये दो साल की कहानी यहाँ रखेंगे। ये हमारा मान लो 1 जनवरी आपका 2019 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2019 है, और मेरा अगला साल जो मेरे बच्चे 1 जनवरी आपका 2020 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2020 है। लीजिए 2 साल की कहानी, देखता हूँ इस बार क्या करते हो। आओ जरा, कहता है कि इस बार ये 6 नंबर चल रहा है आपका, यहाँ पे हमने यहाँ कहीं मान लो 1 अक्टूबर 2019 को हमने यहाँ पे आपका न्यू मान लो ट्रक परचेज किया, कोई भी एसेट्स हो सकता है, मैं ट्रक ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप कुछ भी मान लो, नया ट्रक परचेज किया, आप बैलगाड़ी मान लो, भैंस गाड़ी मान लो, आपकी मर्जी, ये मान लो हमने यहाँ पे 4 लैक्स का परचेज किया। लेकिन मेरे बच्चे ये ट्रक जो है वो यहाँ कहता है अगले वर्ष 1 मार्च 2020 को हमने क्या किया, इसको डाला रनिंग कंडीशन में, मतलब इस पे जो बॉडी थी वो फिट होके तैयार हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, वो यहाँ पे हुआ 1 मार्च 2020 को, और यहाँ पे हमने क्या किया 1 लाख रुपीज यहाँ पे और खर्च कर दिए, 1 लाख रुपये आपका, ठीक है ना। और कहता है कि इसका जो यूज स्टार्ट हुआ वो मान लो 1 सितंबर 2020 से हमने क्या किया, इसका एक्चुअल यूज स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। बोलता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर, 10% पर एनम मेरे बच्चे, पर एनम यहाँ पे, For the year, ended on 31st December 2019 and 31st December 2020 by इस बार चलो WDV method से, written down value method, मतलब second method आपका solution। अगर आपको आप answer कर लो, पहले मेरे video pause कर लो, इसका आंसर आप पहले लिख लो, और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया तो बस आप इस बार क्या करना, मुझे एक मैसेज या फ़ोन कर देना, इस बार चॉकलेट ही नहीं, मैं पूरा का पूरा दुकान ही आपके ऊपर फेंक दूंगा चॉकलेट की।
उसमें से जितने चॉकलेट खाने होंगे खा लेना मेरे बच्चे, बाकी जो बच जाएगा दूसरों को बांट देना, उनको बताना कि आपके अंदर कैसी कैसी शक्ति आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपका आंसर अगर मेरे आंसर से मैच नहीं किया तो भी परेशान मत होना, तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ें सीखोगे वो चॉकलेट ही तो है आपके लिए। सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ पहले डेप्रिसिएशन एज ऑन आपका 31 दिसंबर 2019। मेरे बच्चे यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहां की डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताओ कि क्या इस वर्ष में आपके एसेट्स का पुट टू यूज हुआ क्या? क्या आपने इस साल में पुट टू यूज किया क्या? नहीं सर, नहीं, इस साल तक नहीं हुआ, वो तो अगले साल के स्टार्टिंग में हुआ मेरे बच्चे। यानी कि इस साल का डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होगा, निल, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। क्यों नहीं चार्ज करेंगे? क्योंकि आप समझो ना, हमने उसका पुट यूज नहीं किया। जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं कर देते आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चाहे कोई भी आपके पास आ जाए और आपसे रिक्वेस्ट कर दे कि चार्ज कर दो डेप्रिसिएशन, ना चार्ज करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो आपको अकाउंट्स नहीं सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा। उनकी बात मत मानना, मेरी बात मानना, तो नहीं चार्ज करेंगे। हाँ, लेकिन कहे कि जरा बताओ डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2020 क्या निकल के आएगा, मतलब अगले साल का। तो मेरे बच्चे अब तो एसेट्स इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे यहाँ हो चुका है, पहले बताओ ट्रक की कॉस्ट कितनी हो चुकी है? तो पहली बार जितने, ये पहली बार का ही खर्च होगा। पहली बार का मतलब कि जब उसको यूज करने लायक बनाना है, उसको इंस्टॉल करना है, उस समय तक के सारे खर्चे मेरे बच्चे, यानी कि एसेट्स की कॉस्ट 5 लाख हो चुकी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है? 10%। और क्योंकि पहला साल है तो जरा बताओ इस पहले साल में यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए? याद रखना जनवरी और फरवरी बस छोड़ दो, क्योंकि मार्च के स्टार्टिंग से चार्ज कर रहे हो, 10 मंथ से, ये 10 महीने, 9 महीने नहीं 10 महीने, 1 मार्च से शुरू किया तो 10 by 12 10 महीने का बताओ कितना निकल के आ गया। ये 5 लाख का यानी कि 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 आपका यहाँ पे 41,667 का अमाउंट, और ये काम पूरा हो गया। लीजिए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई मेरे बच्चे। हमने आज आपको पता है क्या, ओह टाइम भी गुजर गया, मुझे आज सच्ची बता रहा हूँ कसम से, मुझे बहुत पढ़ाने का मन था, लेकिन वो छोटा बच्चा जो मेरा है ना एक बरस का, वो मुझसे फुटबॉल खेलना चाहता है। मैं अभी जाऊँगा उसके साथ फुटबॉल खेलूँगा, आप भी जाके खेलें, थोड़ी मस्ती करें। सिर्फ पढ़ाई 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 ही लाइफ नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई मस्ती दोनों एक साथ होना चाहिए, तब शरीर के अंदर में, लाइफ के अंदर में उमंग आता है। सिर्फ पढ़ाई 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 लाइफ नहीं है, सिर्फ खेल 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 लाइफ नहीं है, बैलेंस अप्रोच, तब लाइफ आगे बढ़ती है। तो अगली क्लास में अभी और मस्त वाली बातें करनी है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। अभी आपको बुक के किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं करना, अभी आपके दिमाग में कोई इफोर ना आए, अभी अगली क्लास का वेट करना, मेरा चैप्टर एंड होने का वेट करना। जब चैप्टर मेरा एंड हो जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप अपने लेवल का उठाना, उस क्वेश्चन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो पीछे कर दे। ठीक है सबको, आपको, आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू।